रतिका मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर, नहीं हो रहा है ना अपने रिकॉर्डिंग? ठीक है ना, तो हमारे पास में ये ग्राफ है क्योंकि स्क्वायर का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक हो गया अपने क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हो गया सर। ये भैया क्वाड्रेटिक ही तो है। मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ कैसा होता है? अपवर्ड पैराबोला, राइट? क्यों? इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो। और अगर मान लो कुछ ऐसा हो माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ कैसा होता है? डाउनलोड करोगे इसका डाउनवर्ड होता है। क्यों? स्क्वायर का कोफिशियंट कैसा है? नेगेटिव। तो यहां भी देखो ना, यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर है, स्क्वायर का अपना कोफिशियंट कैसा है? माइनस में। तो हमारे पास पैराबोला होना चाहिए एंड द पैराबोला शुड बी डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये देखो हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला है, और डाउनवर्ड पैराबोला यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है, तो हमने अपने बना दिया पैराबोला। कोई तो एक बच्चा था, क्या नाम है उसका, या उसका नाम नहीं लिखा हुआ, उसने मुझे 3-4 ग्राफ भेजे थे। किसने भेजे थे? व्हाट्सएप पे तो नाम देवांगी आ रहा है। हाँ सर, मैंने भेजे थे। तो बेटा इतना गलत, मतलब एक बार दो बार तीन बार गलत, और जिसमें जो आखिरी वाला जो था तुम्हारा, तो वो तो बिल्कुल ही गलत था। आखिरी वाले में तो तुमने स्ट्रेट लाइन बना दी थी ना भाई। हाँ अगर सर। कोई ग्राफ ऐसा है, बोलो ये वाई है ये टी है, अगर इसको मैं ऐसे बना दूं ये, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो स्टेशनरी वाला ग्राफ बन गया ना। रेस्ट पे। हाँ सर। तो ये तो अपना बिल्कुल ही गलत हो गया। चलो आ गया, फिर तुमने मतलब एक और ग्राफ मुझे भेजा, उसमें ये वाई है ये टी है, ये तुमने ऐसा बना के भेजा। तो वाई और टी ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन के अंदर पावर आता है वन, लेकिन यहाँ तो हमारे पास में स्क्वायर आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता। एंड टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का जो वाई है वो भी कितना है? जीरो है। तो तुम्हारा ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जो सेकेंड वाला ग्राफ था वो भी तुम्हारा गलत हो गया। फिर तुमने एक और ग्राफ भेजा, ये वाला यहाँ पर, यहाँ पे तुमने लिखा हुआ था 2u/g, ये भी गलत है। बिकॉज व्हेन टी इक्वल टू 2u/g पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट क्या बन गया है? जीरो बन गया है फिर से। तो पार्टिकल को नीचे आना चाहिए था ना, तुम्हारा पार्टिकल तो ऊपर ही है अभी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम जो भी तुम्हारा आंसर आए, एटलीस्ट उसको भी थोड़ा सा एनालाइज करो कि कहां उसके अंदर मिस्टेक है, कहां वो तुम्हारे पास में राइट है। ओके बताओ, इसमें कुछ डाउट अभी तक जो ये जो आप अपना होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया किसी को भी? अरे बोलो, आज सब लोग चुपचाप क्यों हूं आज? श्रेया, यस हाँ बेटा, क्लियर है सब? सर। कूल, चलो आगे आते हैं। अभी हम उसी को अपने कंटिन्यू करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ही। वेलोसिटी इसका स्लोप क्या होता है? इसका स्लोप क्या था? सपोज दिस इज माय वी, दिस इज माय टी, इसका स्लोप क्या था? dv/dt हाँ, किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, राइट? फाइन, चलो आगे आते हैं। नाउ वील डू, सपोज इंटीग्रेशन आता है सबको? ओके, तो अब एक चीज देखते हैं। वेलोसिटी जो होता है उसका एक और फॉर्मूला भी होता है। हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? dx/dt होता है ना वेलोसिटी।
अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा dx इक्वल टू क्या बन जाएगा v इनटू dt. ये जो v है इसका मतलब क्या हुआ, ये तो v है, v इज वेलोसिटी. इसका मतलब क्या हुआ, dt का मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल होता है ना, स्मॉल टाइम. तो अब मुझे बताओ वेलोसिटी इनटू स्मॉल टाइम क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. तो ये जो हमारा dx है ये क्या बन जाएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना. तो जैसे ये हमारे पास है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ है सपोज, तो किसी भी इंस्टेंट पे इफ आई टेक ये, एक सपोज हमने एलिमेंट ले लिया dt, ये हमारे पास में विड्थ है dt, ये तो हाइट है, हाइट हमारे पास में है v, तो v इंटू dt क्या बन गया, क्या होता है v इंटू dt, डिस्प्लेसमेंट. और अगर ग्राफ के अंदर देखूं तो ये क्या बन जाएगा, एरिया है ना. देखो ना एरिया बन गया ना v इंटू, जो हमने इंटीग्रेशन के अंदर करते थे, वह इंटीग्रेशन के अंदर हम करते थे ना एफ एक्स इंटू डी एक्स, राइट. तो अगर मैं इसी चीज को इंटीग्रेट कर दूं, अब तो मैंने लिखा v इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दिया. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन. ठीक है. तो ये जो सिंबल है, ये वाला सिंबल जो हमने बनाया ना ये वाला, इसका मतलब हुआ कि छोटे छोटे अपने डिस्प्लेसमेंट का समेशन. तो क्या बन जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट. और ये जो है इंटीग्रल v इंटू डी टी, ये क्या होता है, इंटीग्रल v इंटू अपना dt का मतलब हुआ एरिया अंडर द कर्व. देखो ना, क्योंकि अपना इंटीग्रेशन है ना किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया. तो ये लो, ये बन गया एरिया ऑफ vt ग्राफ. तो इफ यू आर गिवन द vt ग्राफ, देन इफ यू विल कैलकुलेट द स्लोप, slope will give you the acceleration of the particle at that moment, and if you will find the area under the curve, so the area will give you the total displacement of the particle. जैसे example लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा. ठीक है, वही पुराने वाला जो question था, हम उसी question को वापस लेते हैं. Suppose ये है हमारे पास में ground, एक पार्टिकल, इसको हमने ऊपर किया थ्रो, इसका वेलोसिटी कितना है, यू. ठीक है, ये ऊपर जाता है, यहां पे आ गया, यहां पे हमारे पास में कितना टाइम होता है, जीरो. जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे आता है तो हमारे पास में कितना टाइम हो जाता है, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट. अरे कोई तो यू बाई जी, ये इसको बोलते हैं टी ए, टी ए होता है यू बाई जी. और ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई टू जी, राइट. ओके, फिर इसके बाद में क्या होता है, पार्टिकल यहां से यहाँ पे आता है, नीचे आता है ना. ओके, जब ये वापस आता है नीचे, तो ये यहाँ पे हमारे पास में कितना टाइम हो जाता है, टू यू बाई जी. मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2u / g पे, जीरो. ठीक है, अब इसका vt ग्राफ हम बनाते हैं. vt ग्राफ हमने बनाया हुआ है ना, ये हमारे पास में t, ये हमारे पास में v. कैसा ग्राफ आता है, vt ग्राफ कौन बताएगा, रिशिता, रिशा नहीं, हाँ रितिशा. यस सर. हाँ बेटा, कैसा ग्राफ आएगा, वो पॉजिटिव से नीचे, स्ट्रेट लाइन, राइट. हाँ स्ट्रेट लाइन. यस, बिकॉज़ वी नो दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज माइनस जी. ठीक है, माइनस जी का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. एंड व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, मान लो इनिशियल वेलोसिटी मैंने यहां पे ले लिया, ये जो पॉइंट है ये वैल्यू कितना हो गया, यू.
पार्टिकल को नीचे आना है. देखो स्लोप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव. स्लोप नेगेटिव हो रहा है तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. ये लो यहाँ पे आ गया. ये जो पॉइंट है जहां पे हमारा वेलोसिटी का वैल्यू अपना जीरो हो गया, इस यहाँ पे हमारे पास कितना टाइम हो गया, यू बाई जी. और ये हमारा मतलब लास्ट पॉइंट, यहाँ पे कितना हो गया टाइम, टू यू बाई जी. और ये जो हमारे पास है ये कितना बन गया, माइनस यू. जब पार्टिकल नीचे आता है यहाँ पे तो उसका स्पीड तो यू ही रहता है, लेकिन वो कहाँ की तरफ हो जाता है, डाउनवर्ड. दैट मीन्स वेलोसिटी इज नेगेटिव. अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू. ये सपोज तुमको निकालना है मैक्सिमम हाइट. तो देखो मैक्सिमम हाइट कैसे बनेगी. मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ कि अवर पार्टिकल वॉन्ट्स टू रीच हेयर ना, यहाँ पे. तो हमको यहां से यहां तक का एरिया निकालना है. ये एरिया बताओ कितना बन जाएगा, ग्रीन वाला एरिया. इसको मैंने बोल दिया वन. ट्राइंगल बना हुआ है ना, ये एरिया ऑफ ग्राफ कहां से कहां तक, टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू यू बाई जी, मतलब कि मैक्सिमम हाइट. तो देखो अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो कितना बनेगा, हाफ. ये है इसका बेस कितना है इसका, यू बाई जी. और इंटू हाइट कितनी है, यू. तो क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g. और ये जो एरिया है, दिस एरिया शुड बी द डिस्प्लेसमेंट. तो इसी को बोला ना मैंने डिस्प्लेसमेंट. देखो यहां से हमारे पास में हाइट आ गया वापस. When my particle is coming down, मतलब कि ये वाला, ये इसको सपोज मैंने बोल दिया 2, इसका एरिया कितना हो गया 2. एरिया ऑफ ग्राफ कहां से कहां तक, t इक्वल टू यू बाई जी टू टी इक्वल टू टू यू बाई जी. तो बताओ कितना एरिया आ रहा, प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है. बेस तो इसका पॉजिटिव है देखो, है ना, लेकिन इसका जो अपना वेलोसिटी है वो कैसा है, नेगेटिव. तो इसका जो एरिया आएगा दैट विल बी माइनस हाफ इंटू यू बाई जी इंटू यू, मतलब कि माइनस यू स्क्वायर बाई 2g. क्यों, व्हेन द पार्टिकल इज कमिंग डाउन डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव. इफ मैं फाइंड आउट करना चाहूं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तो क्या बन जाएगा, जीरो. पार्टिकल ने जहां से स्टार्ट किया था पार्टिकल वापस वहां पे आ गया, तो हमको पता है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया. और हम यहां से भी इसको कर सकते हैं, देखिए अपना ऊपर का एरिया कैसा है, पॉजिटिव, और जो यहाँ का एरिया है वो कैसा है, नेगेटिव. तो जितना पॉजिटिव है उतना ही कैसा है, नेगेटिव है. तो हमारे पास में इफेक्टिवली जीरो. कुछ डाउट. हाँ भाई लिखो इसको अच्छे से, इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं. एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन दैट अपने इंटरवल.
सर आप डिवाइस टिल्ट करो. अच्छा हम लिख के हो जाए तो बता देना, आगे करेंगे सर. अभी हो गया, आ गया है? Yes, sir. चलो तो ये तो हमने देखा है ना वेलोसिटी. अब थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करते हैं. There is something called speed. Speed क्या होता है बताओ आप मुझे. स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होता है? कोई तो बोलो, सब लोग चुपचाप क्यों बैठे हो? स्पीड मतलब कितना टाइम में? तो वो स्पीड है बेसिकली, होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, राइट? रेट ऑफ डिस्टेंस अंदर. यस हाँ, तो तुम कह सकते हो ना कि स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता ना. एंड यू कैन से ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ एनीथिंग और यू कैन से वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो सपोज जो हमने पुराने वाला जो क्वेश्चन था उसी को फिर से करेंगे. एक पार्टिकल को हमने यहां से अपने थ्रो किया ऊपर की तरफ, इसका इनिशियल वेलोसिटी यू, ये हमारे पास में ऊपर गया और ये वापस नीचे आ गया इस पॉइंट पे. इसको बोला ए बी and C. If I talk A to B, कितना distance travel किया उसने? बताओ बताओ. A to B गया ना, maximum height पे गया, तो हमारे पास में कितना distance आ गया? U square by 2G. If I say what is the distance B to C? रिया, बी टू सी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? जिया? यस सर.
बी टू सी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? U square by 2 जी. और एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, वेदर यू आर कमिंग डाउन और गोइंग अप. ठीक है, तो अब हम इसके अंदर करते हैं, इसका बनाते हैं ग्राफ. हमने बनाया ग्राफ स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड टाइम. चलो स्पीड वर्सेस टाइम का भी ग्राफ बनाते हैं. वी नो दैट स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. हम यहां से गए पॉइंट ए टू बी, जब मैं जा रहा हूं पॉइंट ए पे हमारा वेलोसिटी कितना है यू, तो मतलब उसका स्पीड भी कितना है यू. जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं पार्टिकल का स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है. एंड एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, तो ये लो स्ट्रेट लाइन आ गया हमारे पास में. ये हमारे पास में कितना टाइम बन गया, यू बाई जी. अब इसके बाद क्या होगा, ग्राफ ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा? सर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा. ठीक है, तुम सिर्फ इतना कर सकते हो कि ये जो पार्ट था ना, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला ब्लू जो मैं अभी किया है, ये पार्ट था तुम्हारे पास वेलोसिटी. मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जो क्वांटिटी नेगेटिव में है उसको बस पॉजिटिव कर दो. मतलब इस लाइन का ऊपर है ना रिफ्लेक्शन ले लो बस. तो अगर तुम देखोगे तो जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आ रहा है स्पीड अप हो रहा है. एंड व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड द स्पीड इज सेम, तो पार्टिकल ऐसे जाएगा यो. व्हेन योर टाइम इज 2u / g, योर स्पीड इज अगेन u. ओके, तो स्पीड हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब मुझे बताओ स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल. तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव मी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. That particle has traveled so much of distance because now everything is positive, so it will give me only apne distance. So now you do something, you get me the graph of t versus distance and displacement ka nahi karna hai, distance ka graph banana hai. Mujhe batao, graph banao. Chalo ye hamare paas mein equation hai aur uske baad mein batao. पार्टिकल को ए पॉइंट से वी हैव थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद ए स्पीड यू, सो मेक ए ग्राफ ऑफ एंड डिस्टेंस वर्सेस टाइम टिल द पार्टिकल गेट बैक्स टू द ग्राउंड.
वेदांत क्वेश्चन करो भाई, क्या कर रहे हो? देखो तुमको इतना तो पता है ना, व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, जब तक अपना डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता है, एट दैट पॉइंट तक उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है। अब इतना पता है ना, जैसे कि एक पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, वो यहां गया, सपोज यहां से यहां का डिस्टेंस है 100 मीटर, वो यहां पे आ गया, तो बताओ क्या हुआ, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है? हाँ भाई, बट वेन ही विल कम बैक, जब वापस आएगा, सपोज ये तुम्हारे पास 50 मीटर हो गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 150, बट डिस्प्लेसमेंट 50। जब पार्टिकल वापस आता है ना, रिवर्स करता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आता है, उससे पहले तक कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, पार्टिकल ए टू बी गया, तो ए टू बी तक की अगर बात करें तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। तो देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ कैसा आया था, ऐसा आया था ना, ये, और हमको यहां पे आना पड़ेगा, ये देखो यहां तक आ गए, यहां पे हमारे पास कितना टाइम हो गया, यू बाई जी, और यहां पे हमारे पार्टिकल ने कितना अपने यू स्क्वायर बाई टू जी अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। ये स्लोप ऐसा ही आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है इस पॉइंट पे देखो स्लोप कितना आ रहा है, जीरो, तो हमें पता है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो गया, ये। अब देखो इसके आगे वाला ग्राफ, जब हमने डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ किया था तो हमारे पास में ऐसा आया था, मतलब क्या हो रहा है कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि नहीं, हमको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अपने रिफ्लेक्शन लिया था ना, ये दो लाइन है, इसका ऊपर हमने रिफ्लेक्शन ले लिया था, तो हमारे पास में स्पीड आ गया था, तो वैसे ही इसका मैं क्या करूंगा, रिफ्लेक्शन ले लूंगा इस लाइन के अबाउट में, तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा, ये लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमारे पास में कितना टाइम हो गया है, 2u/g। अब इसको हटा देंगे, इस वाले को स्केप की जरूरत नहीं है, तो पार्टिकल ने टोटल जो अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2g इनटू 2, मतलब कि u स्क्वायर बाय g, जाते टाइम u स्क्वायर बाय g और आते टाइम u स्क्वायर बाय g। ग्राफ विल बी पॉजिटिव, इट विल ऑलवेज गो अप, इट विल नेवर कम डाउन, बिकॉज़ डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, चाहे तुम वापस आओ या तुम उसी डायरेक्शन में चलते रहो। किस किस का ऐसा ग्राफ, हाँ भाई, हेलो, अबे बोलते ही नहीं हो, सब लोग चुपचाप क्यों बैठे हो? दृशा, यस सर, क्या, डिड यू गेट द आंसर? नाउ आई गॉट इट, बिफोर इट वाज रॉन्ग। व्हाट? यस, ओके, वेयर डिड यू गो रॉन्ग? मैंने वो रिफ्लेक्शन नहीं लिया, मैं वो नीचे गई। Yes, now displacement can never be, no, distance can never be decreasing, na? It is always increasing. Yeah, correct. ये कौन है भाई? किसके यहाँ पे वो चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है? रिया, आंसर आया बेटा? हाँ सर, अभी आया।
गुड. तो ऐसे वी हैव टू एनालाइज द थिंग. ओके, जब भी तुम्हारे पास मतलब आंसर भी आ जाए, देन यू कैन वेरीफाई बाय टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस दैट वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग. ओके, सो सी. सो बेसिकली जो हमारे जो होते हैं ग्राफ वो यही होते हैं. अब जैसे अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के. एक्सेलरेशन टाइम, सपोज यहाँ पे मैंने लिया है, दो मिनट ऊपर स्क्रॉल करो. हाँ, यहाँ पे. हाँ, तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. da/dt. ओके, da/dt कुछ होता है? पता मैंने नहीं होता. गेस किया. There is no an physical sense of that. तो हर ग्राफ के स्लोप का कुछ मीनिंग हो, इट इज नॉट नेसेसरी. ठीक है? सो इफ आई से स्लोप, स्लोप क्या बन जाएगा? da/dt. तो मैं इसको सिर्फ इतना ही बोल सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, दैट्स इट. इसका कोई फिजिकल सेंस नहीं है. ओके, ओके. But if I talk about area, so I can write one equation. acceleration क्या होता है? dv/dt होता है ना. तो if I cross multiply, so I will get dv equal to acceleration into अपना dt. Okay, इसका मतलब क्या हुआ? dv का मतलब small change in velocity. राइट. और इसका मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन इनटू स्मॉल टाइम. तो ये तो हमको पता ही है कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी. सो इफ आई मतलब इंटीग्रेट दिस, ओके, दिस इज एक्सेलरेशन इनटू टाइम, मतलब कि ये चीज, ये हमारे पास में हाइट हो गया a, ये हमारे पास में टाइम हो गया dt. तो a into dt will be change in velocity. तो मैं इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो इंटीग्रेट dv will become a into dt. दिस इज एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी. तो आई कैन सिंपली राइट वेलोसिटी इज ये, जैसे हमने उसमें किया था ना, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट. तो वीटी जो अपन ग्राफ होता है उसका एरिया विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट. यहां पे अगर मैं कहूं कि एक्सेलरेशन टाइम, इसका जो ग्राफ है दैट विल रिप्रेजेंट माय एरिया. एरिया क्या? चेंज इन वेलोसिटी. नाउ कम टू द पॉइंट. इफ यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू दैट देयर इज वन मोर मेथड टू डिराइव अवर थ्री इक्वेशंस, राइट? सो लेट्स कम टू दैट. हाँ, डिस्टर्बेंस हो रहा है यार, ये क्यों? अमन? हाँ सर, क्या हो रहा है ये सर? क्या डिस्टर्बेंस क्यों आ रहा है सर? नहीं, मेरे इधर से नहीं आ रहा डिस्टर्बेंस. तुम्हारा यहीं से आ रहा है, मैंने देखा तुम्हारा ओपन था माइक. सर वो अभी मैं पूछ रहा था आपको इसलिए. हाँ चलो बंद करो सर. हाँ बोलो, क्या पूछना है? सर कैलकुलस का टेस्ट कभी होने वाला है? तुम बेटा पहले पढ़ लो, ठीक है? फालतू काम मत करो. जब मुझे लेना होगा टेस्ट में ले लूंगा.
तो ये हमारे पास में था, इसके अंदर हम बोलते थे कि एक्सलरेशन इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, और सपोज उसको हमने बोल दिया ए, तो हम क्या बोलते थे, एक्सलरेशन कॉन्स्टेंट एंड पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होता था, यू। अब देखो हम एक ही ग्राफ है ना बनाएंगे, बस देखो ये हमारे पास वेलोसिटी, ये हमारे पास में टाइम। If my acceleration is constant, that means my graph should be straight line. I started from here. U, क्योंकि इसी को बोलते हैं ना initial velocity. और इससे चलते चलते हम यहाँ पे आ गए, क्योंकि इसका slope कैसा होना चाहिए, constant. ये हमने बोल दिया T, ठीक है। इस point पे हमारा जो अपना velocity है, final velocity, वो हो गया V हो गया। तो ये तो हमारा हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, और अब मुझे बताओ मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। दिस इज माय टाइम, दिस इज माय एक्सेलरेशन, कैसा ग्राफ आएगा। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ए, सो जस्ट स्ट्रेट लाइन। This is A. Now I will derive all the equation with these two graphs. तो इसको बोलते हैं first graph, इसको बोलते हैं two. तो I know that we know that area of acceleration time graph क्या देता है बताओ। Area of acceleration time graph से क्या आता है, change in velocity, change in velocity, and what is the meaning of change, final minus initial, so okay, so I will say change in velocity, to matlab velocity mein change kya hoga, final minus apna initial, aur iska area kitna ban jayega batao, kya tum rectangle hai na ye, to iska area kya ban gaya, a to t 80, to ye hamara pehla equation aa gaya, v equal to u plus 80, फाइन ओके। अब यहां पे आते हैं, ये क्या है वीटी ग्राफ, इसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये लो, अब इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया निकालोगे तो देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, और ये इनके बीच का डिस्टेंस है, तो ये क्या बन गया, ट्रेपेजियम बन गया ना, ये ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, क्या होता है, हाफ इनटू पैरेलल साइड का समेशन इनटू बीच का डिस्टेंस, तो पैरेलल साइड का समेशन ये कितना है v, ये कितना है u, तो u प्लस v, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है t, ठीक है। अब इन्हें रिप्लेस कर सकते हो v को, v क्या है u प्लस at, तो बन जाएगा हाफ u u plus at into t, तो वो याद आएगा ut plus half into अपना at square delta s। अब इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास थर्ड वाला इक्वेशन भी आ जाता है, अगर यहां से रिप्लेस कर दोगे, v को रिप्लेस कर दोगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा। तो वी कैन, तुमको पहले बताया था देर आर थ्री मेथड्स टू डिराइव अवर इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला मोशन था अपना डिफरेंशिएशन वाला, सेकंड मेथड हमारा होता है सिंपल अपना एल्जेब्रिक, एंड थर्ड मेथड इज अ ग्राफिकल। तुमने शायद स्कूल के अंदर ग्राफिकल वाला ही किया था, राइट। हाँ सर। हाँ, तो है हमारे पास में और भी, मतलब वी कैन सॉल्व दिस थिंग्स बाय ऑल। तो देखो थ्योरेटिकली तो जो ग्राफ जो होते हैं उसके अंदर इतना होता है बस, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के अंदर देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन डू बाय ग्राफ। जैसे बुकलेट है, सबके पास है बुकलेट, हाँ भाई, वो फाइनल बुक पीडीएफ, पीडीएफ जो आपने उसके ऊपर था, अरे आपने जिसको सॉल्व करते हो हमेशा तुम लोग,
हाँ तो जैसे उसको स्टार्ट करो, उसके क्वेश्चन करते हैं एक बार, उसको ओपन करो सब। तो उसमें सिर्फ कैलकुलस और वेक्टर है ना? नहीं ना, काइनेमैटिक्स वाला पीडीएफ नहीं है क्या तुम्हारे पास बेटा? नहीं सर, मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आई थिंक मिला होगा पर आई थिंक तो होमवर्क उससे देते हैं ना। हाँ होमवर्क तो उसी में से देता हूँ। तुम फिर होमवर्क किस में से करते हो? और मैं ग्रुप पे भेजती हूँ वापस। हाँ ग्रुप पे डाल दिया मैंने फिर से अभी। तुमको हार्ड मटेरियल मिल गया होगा ना? हाँ तो मतलब कि उसको भी स्टार्ट कर दो करना, ठीक सर? वो वाली पीडीएफ सेम है? हाँ वो वाला और पीडीएफ सेम है क्या? नहीं नहीं अलग अलग हैं दोनों, ठीक है? पीडीएफ मतलब अपना बनाया हुआ है बस काइनेमैटिक्स के लिए। तो काइनेमैटिक्स तक तो सारे क्वेश्चन इससे करो, इसके बाद वाले चैप्टर तुम उससे करना बुक से, ठीक है? हाँ भाई अब देखो, जैसे जैसे इसके अंदर एक तुमको दिया हुआ एग्जांपल नंबर टू जो है उसको ओपन करो। एग्जांपल नंबर टू उसके अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। एग्जांपल टू उसके अंदर तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है? और हमको सब कुछ फाइंड आउट करना है इसमें। वी हैव टू मेक नंबर बेटा, ये लेक्चर 5 में है, लेक्चर 5 में, लेक्चर 5 का पेज नंबर 3। अगर पीडीएफ के अंदर देखोगे तो आई डोंट नो कौन से पेज पे आएगा, बट फर्स्ट कम टू लेक्चर नंबर 5 एंड देन 3। एग्जाम्पल टू? हाँ एग्जाम्पल टू। नहीं तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो नाउ यू हैव टू ड्रॉ, पहले तुमको बनाना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है? फिर तुमको बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक तो हमको ये बनाना है, ये हमको ये बनाना है, और फिर हमको बनाना है एक्स टी ग्राफ, मतलब की पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है तो चलो, हमको क्या दिया हुआ है? एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन। तो बस मुझे इतना बताओ कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, इसको देख के क्या बोल सकते हो कि पार्टिकल जो है उसका जो मोशन है वो कैसा है, कहाँ हो रहा है, उसका नेचर कैसा है? तो सबसे पहला जो आएगा हमारा कमेंट वो हमारा होएगा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग, राइट? क्यों, हाउ कैन वी से दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग? कौन बताएगा? How can we say that object is moving? Rati? Rati? Ritisha? हाँ सर। How can you say that particle is moving by just looking at the equation? क्योंकि position with time is changing. Yes, because x is changing with respect to time. If I will change the value of t, then my x will change. So I can say object is moving. अब particle का जो motion है वो कैसा है?
वन डायमेंशन मोशन. क्यों बताओ, मतलब ऐसा क्यों बोल सकते हैं हम? हाउ कैन वी से दैट पार्टिकल मोशन इज वन डायमेंशन मोशन? कौन बताएगा? अरे अब तो आना चाहिए यार, इतने दिन हो गए हमको काइनेमेटिक्स पढ़ते हुए. Or because it's moving along the x-axis only. Yes, because only one coordinate is changing. X coordinate is changing only. That is why. Okay? हाँ, बस हम इस इक्वेशन को देख के इतना बोल सकते हैं. ओके, चलो आगे आते हैं. तो पहले हम बनाते हैं पोजिशन टाइम ग्राफ बनाते हैं. ठीक है, तो ये क्या क्वाड्रेटिक वाला है? तो x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6. अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आएगा? पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से क्या आता है? dx by dt. वेलोसिटी. dx by dt क्या होता है? वेलोसिटी. वेलोसिटी होता है. किसने बोला था एक्सेलरेशन? सर अमन ना सर. बेटा तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? dx by dt है. dx का मतलब क्या हुआ? पोजीशन में चेंज. पोजीशन में चेंज क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी. तो बताओ ये यहाँ से क्या आएगा? वेलोसिटी 2t माइनस 5. ठीक है, ओके. इसको अगर फिर से कर दू डिफरेंशिएट, dv by dt क्या होता है? dv by dt एक्सेलरेशन. इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आ रहा है? 2. तो आई कैन नाउ आई विल कमेंट कि इट इज ए यूनिफॉर्म. किसका म्यूजिक अन बजता है यार ये? अभी किसका बजा था बताओ? हाँ, ओए, किसका म्यूजिक बजा था अभी? हर्षद. हर्षद कहाँ पे? यहाँ तो है ही नहीं, मुझे अपना वो दिख ही नहीं रहा. हाँ हर्षद, माइक ऑन करो. यस सर. क्या हो रहा है सर? क्या हुआ सर? मेरा नहीं था यार. अभी अगर किसी ने बोला कि मारा था सर. कृतिका, मैंने देखा था. हाँ कृतिका. हर्षद बताओ क्या हो रहा है? यस सर. क्या हुआ? मैम बोल रही है कि यहाँ पे जब तो पहले तो म्यूजिक कहाँ चल रहा है तुम्हारे वहां पे? गलती से माइक ऑन हो सकता है ना? यस सर. म्यूजिक कहाँ चल रहा है? मैम कॉल करो इसके घर पे अभी. गलती से हुआ था. म्यूजिक कहाँ चल रहा था मुझे इतना बताओ. फिर वो लग गया था गलती से. गलती से लग गया ना. मैम फोन करो घर पे और इसको अपने क्लास से निकालो. आउट. सॉरी सर. रिमूव करो इसे. इसको अभी रिमूव करो. पेरेंट को फोन करो. उसके बाद पेरेंट को बोलो मुझसे बात करेंगे. उसके बाद मैं इसको अलाउ करूंगा क्लास में. सॉरी सर. इसको रिमूव करो पहले. हाँ रिमूव करो बस. देयर इज नो सॉरी. हाँ तो देखो हमने ये किया. ये जो तीन हमारे पास पैरामीटर आए इनको देख के वी कैन सी that particle is doing uniform acceleration motion because acceleration का value कितना आ गया? 2 plus 2 आ गया. ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम सबसे easy वाला graph बनाते हैं. तो हमारा कहते हैं सबसे easy वाला graph कौन सा बनेगा? t versus अपना acceleration. ठीक है, कैसा graph आएगा? कौन बताएगा? दृश्या, what will be the nature of graph?
बताओ बताओ कहाँ पे आया जरा सर ऐसे स्ट्रेट लाइन डायगनल इसमें डायगनल नहीं आएगा ना बेटा दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 2 बस सो दैट्स इट तुम्हारे पास टाइम का वैल्यू कितना भी हो तुम्हारे पास में कितना वैल्यू आ रहा है एक्सेलरेशन का 2 ओके चलो ठीक है अब इसके बाद में देखते हैं इसके बाद में हमने अपने इसका ग्राफ बनाया अपना वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का velocity versus time ये हमने बोला v ये हमने बोला t तो देखो what is the initial velocity of the particle initial का मतलब क्या होता है initial velocity जब time zero मतलब velocity at t equal to zero so if I put t equal to zero in this equation so I will get -5 तो -5 का मतलब हुआ कि मेरा जो ग्राफ है वो यहां से स्टार्ट होगा ना नीचे से स्टार्ट होगा ठीक है दिस इज माय -5 और मेरा स्लोप कैसा है पॉजिटिव मतलब कि फंक्शन को इंक्रीज करना है तो फंक्शन हमारा ऐसे जाएगा ये लो ठीक है वेलोसिटी हमारा कहां पे जीरो हो रहा है देखो जब हमारे पास अपना टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2 सेकेंड और उसके बाद में यहाँ पे आ गया सपोज हमको बोला कि एनालाइज करना t इक्वल टू 10 सेकंड तक तुमको एनालाइज करना है 10 तो जब तुम्हारे पास में t का वैल्यू हो जाएगा 10 तो हमारा वेलोसिटी कितना आएगा 15 देखो ना इक्वेशन में डाल के तो दैट इज 15 मीटर पर सेकंड फाइन हाँ भाई कूल अब मुझे बताओ हर बार इंक्रीज क्यों करता नहीं मैं हर बार इंक्रीज नहीं कर रहा ना क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन कैसा है पॉजिटिव है इसलिए इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे देखो ना जो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है +2 इसलिए इंक्रीज कर रहा है नहीं तो अपन डिक्रीज करेगा देखो ये यहाँ पे क्या कर रहा था डिक्रीज कर रहा था ना पहले ही ग्राफ में हमारे यहाँ पे क्या कर रहा था डिक्रीज कर रहा था ग्राफ क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव था यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन कैसा है पॉजिटिव है तो ऊपर जा रहा है सर आपका 15 कैसे आया 15 देखो बेटा t का वैल्यू मैंने अपने पुट कर दिया 10 कहां पे इस वाली इक्वेशन में ना वेलोसिटी वाला अच्छा हां हां तो हमारे पास 20 - 5 ओके अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ हर पोजीशन वर्सेस टाइम x वर्सेस t हमारे पास फंक्शन है x का t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ओके बनाओ t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे है इक्वल टू जीरो इनिशियल पोजीशन क्या है पार्टिकल का प्लस जो इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है एट टी इक्वल टू जीरो तो एट टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल यहां पे है ठीक है इसको मैंने बोल दिया एक्स इक्वल टू 6 ठीक है ओके अब इसके बाद हमको नहीं पता पार्टिकल कहां जा रहा है तो हमने क्या किया इसको डिफरेंशिएट किया डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा 2t - 5 हाँ ठीक है तो ये क्या बता रहा है स्लोप तो स्लोप कैसा है इनिशियली पॉजिटिव नेगेटिव है ना t इक्वल टू जीरो पे t इक्वल टू जीरो पे स्लोप कैसा है नेगेटिव तो t इक्वल टू जीरो पे क्यों लेना है नहीं मैं तो मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ ना ग्राफ को मतलब देखो पार्टिकल का स्लोप इनिशियली कैसा है नेगेटिव फिर वो करता करता कितना बनेगा जीरो बनेगा उसके बाद में कैसा बनेगा पॉजिटिव बनेगा मैं क्या कह सकता हूं ना कि स्लोप जो है टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू 2.5 स्लोप कैसा है नेगेटिव एट टी इक्वल टू 2.5 स्लोप कितना है जीरो एंड टी ग्रेटर देन 2.5 इस पे स्लोप कैसा आएगा पॉजिटिव ओके तो मतलब t इक्वल टू 2.5 तक स्लोप को कैसा करना है नेगेटिव मतलब फंक्शन को ना डिक्रीज करना है तो देखते हैं कि t इक्वल टू अपना 2.5 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी x
एट t equal to 5 by 2 होता है ना 2.5 तो क्या बन जाएगा x 0 5 by 4 minus 5 into 5 by 2 plus 6 तो कितना 25 by 4 minus 25 by 2 plus 6 तो 25 by 4 minus 6 तो कितना आएगा minus 1 by 4 ना तो मतलब t equal to जब मेरे पास में 5 by 2 है थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं इसको यार अच्छा हो जाएगा ये सपोज यहाँ पे मेरे पास में है 6 जब t की वैल्यू 2.5 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए माइनस 1/4 ये बोल दिया माइनस 1/4 तो फंक्शन को ऐसे आना है देखो ठीक है मतलब यहाँ पे स्लोप कैसा होना चाहिए नेगेटिव और फिर इसके बाद में देखो ना स्लोप कैसा हो रहा है इंक्रीज हो रहा है और या फिर तुम ये भी देख सकते हो कि हमारा स्क्वायर का ग्राफ है तो स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है पैराबोला और इसमें स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है पॉजिटिव तो हमारा पैराबोला कैसा होना चाहिए अपवर्ड पैराबोला ठीक है तो देखो जब तुम्हारे पास में टी का वैल्यू हो जाएगा 10 तो कितना बनेगा 100 माइनस 50 56 तो जब तुम यहाँ पे आ रहे हो तो x की वैल्यू कितनी है 56 तो ये हमारे पास ग्राफ बन गए तो ऐसे ही हमको हर फंक्शन के लिए अपने ग्राफ बनाने पड़ेंगे हमको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से इंटरवल में स्लोप पॉजिटिव है जो भी तुमने अपने कैलकुलस में सीखा था ना ऑल द थिंग्स यू हैव टू डू हियर ग्राफ प्लॉटिंग हमको आना चाहिए सर टिल्ट करो हाँ अरे वो मैं एक बार के अंदर दिखता नहीं है ना पूरा इसलिए फिर इसके अंदर हो गया आगे करें सॉरी एक सेकंड स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं ठीक है हाँ चलो अब एक क्वेश्चन एग्जांपल फोर एग्जांपल फोर हमको ऐसा दिया हुआ है ठीक है ये हमको दिया हुआ है वेलोसिटी ये टाइम इसमें वेलोसिटी में दिया हुआ है टू
4, ठीक है, फिर 0, फिर नीचे माइनस 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है टाइम है, और ये हमको कब ने दिया हुआ है इसके अंदर मीटर पर सेकंड में, एंड द टाइम इज गिवन इन सेकंड्स, एंड द ग्राफ इज लाइक दिस, 2, 3, t = 1, t = 3, फिर 4.5, 7.5, ठीक, हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, जो है ब्लू वाली जो लाइन है वो हमारा ग्राफ है, पार्टिकल का वीटी ग्राफ, हमको फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड, मतलब कि यहां से और यहां तक पार्टिकल ने क्या है, तो डिस्टेंस और एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बताना है हमको। चलो करो, वीटी ग्राफ दिया हुआ है ना? पर वीटी ग्राफ में डिस्टेंस कैसे आ सकता है भाई? वीटी ग्राफ को स्पीड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो ना, उसका मैग्नीट्यूड, तो उससे हमारे पास में स्पीड आ जाएगा, मतलब कि डिस्टेंस आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करो, बताओ आंसर। डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे निकालोगे? वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, तो पहले मैं इसको एरिया निकाल, बताओ इसका एरिया कितना आएगा ट्राइंगल का? हाँ, इसका ट्राइंगल का एरिया 1/2 into base into height, 2, राइट? तो इसका एरिया कितना हो गया? 2। इसका एरिया कितना होगा कहते रेक्टेंगल का? इसका हाइट है 4, इसका जो बेस है बेस कितना है? 2। इसका एरिया कितना हो गया? 4, है ना? 4 और 8, क्योंकि हाइट 4 है, विड्थ इसका 2 है। इसका एरिया कितना हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी 2। इसका एरिया कितना आएगा? ये वाला छोटू वाला ट्राइंगल, इसकी हाइट कितनी है? 2। बेस जो है वो इसका है हाफ, तो इसका एरिया कितना बन जाएगा? 1/2 into base into height, तो हाफ। ये जो हमारे पास है रेक्टेंगल बनेगा, ये वाला रेक्टेंगल, इसकी हाइट है 2 और इसका विड्थ है 3, तो ये बन जाएगा 6, और ये जो है इसका भी हाफ। तो इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट एन डिस्प्लेसमेंट, मेरे पास कितना हो जाएगा? 2 + 6 + 2, ये तो मेरा प्लस, लेकिन जो चीजें यहाँ पे आ रही है नीचे वो कैसे आ रही है? माइनस में, तो -1/2 - 6 - 1/2,
क्योंकि हमारा वेलोसिटी कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया ना, वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब कि हमारा डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है। तो ये कितना बन जाएगा, 10 माइनस, अरे क्या कर रहा हूँ यार, 8 है वो, 12 माइनस 7, 5 मीटर डिस्टेंस, 2 + 8 + 2 + 1/2 + 6 + 1/2, अगर पार्टिकल चाहे आगे जाए चाहे वापस पीछे आ जाए, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो जो तुम्हारा वेलोसिटी और नेगेटिव में था उसको भी क्या कर दोगे, पॉजिटिव में कर दोगे, तो कितना बनेगा, 12 + 7 = 90, बिकॉज है ना, चाहे तुम्हारा पार्टिकल रिवर्स आए या फॉरवर्ड में जाए, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, तो यू कैन कैलकुलेट बोथ द थिंग्स बाय सिंगल ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट में ये जो चीजें हैं ये हमारा कैसा है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस के अंदर ऊपर वाले को भी अपने वो कर देंगे पॉजिटिव कर देंगे और नीचे वाले को भी पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है, क्लियर। डाउट है किसी को कुछ, डाउट एनीवन? कोई? हाँ तो देखो अभी होमवर्क लिखो, होमवर्क में हमें करना है इसका जो एक्सरसाइज है 5 और अपना ट्यूटोरियल जो है ना इसको अपने ट्राई करो पूरा, लेक्चर 5 ट्यूटोरियल 1 लेवल 1, ठीक है। हमारा लेक्चर कब है, संडे को ही है ना आपको डायरेक्ट? यस, तो संडे तक इस ट्राई करो, जितने क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन तुमसे हो ही जाएंगे, बट ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन। हाँ नहीं है ना, टाइम टेबल में लिखा हुआ है ना, दो ही लेक्चर है ना तुम्हारे? हाँ सर नहीं, ठीक है, चलो बाय बाय।